तो कुछ दिन पहले ना मैंने आप लोगों के साथ वो चिली ऑयल रेमन की वीडियो शेयर की थी। उसमें ना उसका मसाला और सीजनिंग बच गए थे, मतलब सिर्फ नूडल्स ही नूडल्स काम आए थे। तो मैंने आप लोगों से पूछा था कि इसे मैगी बनानी चाहिए क्या, तो आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स किए, हाँ दीदी इसे मैगी ट्राई करो। तो चलो देखते हैं कि कैसे बनती है, ठीक है। और अगर आपने मेरी सुबह वाली वीडियो नहीं चेक करी है तो ज़रूर से जाके चेक करो। सॉरी, मैंने ना फरेरो रोस्टर बनाई है, बहुत इजी वे में, बहुत ज़्यादा इजी, एकदम 5 मिनट में बना लोगे। मतलब चेक ज़रूर करना, डेयरी मिल्क से बनाई है और बहुत टेस्टी है, मतलब बिल्कुल फरेरो रोस्टर लगेगी और बहुत ही जुगाड़ू वाली। तो ट्राई करना है ना। तो मैंने यहाँ ना मैगी, मतलब पानी उबाल लिया, उसमें मैगी डाल दी। पहले मैं सोच रही थी मैगी का मसाला नहीं डालती हूँ, सिर्फ वो सीजनिंग और वो रेमन वाला मसाला डालती हूँ, पर फिर मैंने कहा छोड़ो यार डाल ही देती हूँ, ठीक है। तो मैंने मैगी डाल दी, मैगी का मसाला डाल दिया, फिर जो रेमन के साथ जो सीजनिंग और मसाला था वो डाल दिया। और इसमें से इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी ना पकते वक्त, यार बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। और हाँ, आप आज की वीडियो का शाउट आउट ना संपत सिंह शिखावत को जाता है। अगर आपको भी शाउट आउट चाहिए ना तो वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, थम्स अप, आपको भी शाउट आउट मिल जाएगा, ठीक है। और ये मैगी ना बहुत टेस्टी थी, पता है, एकदम सब्जियां आ रही थी, गाजर, स्प्रिंग अनियन, और एकदम फ्लेवरफुल, एकदम मसालेदार, यार बहुत टेस्टी थी। अगर ऐसा कुछ जुगाड़ू ट्राई करना है तो आप ऐसा ट्राई कर सकते हो, मतलब बहुत टेस्टी थी, एकदम मसालेदार, एकदम फ्लेवरफुल, ट्राई करना। बाय।